कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए भाजपा सरकार द्वारा वैसे तो लोगों से अपील की जाती है और दूसरों को मास्क लगाने की नसीहत दी जाती है, लेकिन आज मंदिरों में भ्रमण पर निकली भाजपा से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा कपिल और उनके साथ जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने खुद ही बिना मास्क लगाए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, उनके स्वागत समारोह में जो भी उनके कार्यकर्ता साथ रहे वो भी बिना मास्क के आए। सभी एक दूसरे से मिलजुल कर बातें करते रहे, मानो जैसे कोरोना वायरस से इन्हें कोई भय नहीं हो। वहीं लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के लिए जा रही महिला के साथ अभद्र व्यवहार पर भाजपा की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि भले ही चाहे कोई भी व्यक्ति हो या पुलिस वाला हो या फिर भाजपा का कार्यकर्ता हो, अगर कोई महिला का अपमान करेगा तो उसे बक्सा नहीं जाएगा। मैम आज बताएं, जो आप मथुरा वृंदावन भ्रमण पर आई हैं, कैसा लगा आपको दर्शन करके? देखिए, सबसे पहले तो कान्हा की धरती को प्रणाम करते हैं कि ब्रज की भूमि पर आना एक धाम है, या आने ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। और आज कुछ कार्यों को लेकर ही हम आए थे, तो आज हमारी जिले की अध्यक्ष हैं मधु शर्मा जी। सर्वप्रथम तो आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन रहा कि आज ही हमारा जीत का परचम लहरा है, और जिस ब्लॉक जिस मंडल पर मैं बैठी हूँ छाता मंडल पर, वहाँ हमारी महिला शक्ति को, हमारी महिला ही भाजपा की अध्यक्ष है और महिला शक्ति को उन्होंने निर्विरोध जिताया, ये सबकी शुभकामना। और कार्यकर्ता से भाजपा में ये हमेशा ही है कि हम कार्यकर्ता तक जाकर मिलना है, हमें जमीन पर उतर के काम करना होता है, उसी क्रम में ये कार्यकर्ताओं से मिलने का परिचय का क्रम। और निसंदेह चुनाव आना है, चुनाव बिल्कुल सर पर है, और जिस तरह से आज हम गांव की सरकार को लेके जिस तरह की जीत हुई है, कार्यकर्ता के साथ में काम करने, बात करने और अनेक चर्चा करने के लिए साथ में अपने जिलाध्यक्ष के साथ में। महिला शक्ति की ही बात करें तो मैम, अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक महिला को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खींचा था, सपा के जो उम्मीदवार थी उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वो फिलहाल यहाँ की बात नहीं है, बात ऐसे अब ये वाले विषय पे आज हम विषय कुछ दूसरे पर हैं, वरना मातृशक्ति को लेके बात मैं बिल्कुल अलग आपसे जरूर करूँगी। फिलहाल हम इस विषय पे कार्यकर्ता वाले उस पर इन बातों का जवाब मैं अवश्य आपको बाद में दूंगी। और योगी जी की सरकार से तो आप लोग इस चीज़ की निश्चिंत रहिए, आज अगर उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश को अगर आप भाजपा की सरकार ने, तो देश में सर्वाधिक क्राइम रेट जहां पर थी, आज उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है आप सबको देख रहे हैं। आज बाकी के प्रदेशों को अगर कंपेरिजन करें तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह मजबूत कानून व्यवस्था काम कर रही है, जहां कोई भी हरकत होती है, कोई होती है, पूरे के पूरे अधिकारी को एक मिनट में जवाब तलब किया जाता है। उन्होंने साड़ी खींची, शायद अगर ये जिनकी लोगों की खींची, बाकी नारी की अस्मिता के सामने हम सब पूरा महिला शक्ति हमेशा ही कहते हैं कि कोई भी गलत हो उस गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी जी ने तुरंत प्रभाव से पूरे थाने को बर्खास्त किया है। आप कार्रवाई जिस तरह से भाजपा की सरकार में होती है, हम नारी के सम्मान सुरक्षा के लिए सारे कार्य करते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, सारी योजना सारे नारी के मान सम्मान के लिए कार्य कर रही है, तो भाजपा की सरकार में नारी बिल्कुल सुरक्षित है। जो भी उनकी अस्मिता से, उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर तो कार्रवाई होगी, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई? देखिए, मैंने कहा उचित दंड हर किसी को मिलेगा, जब कार्रवाई हुई है कि तो उन पर भी, जिन लोगों, जो भी अपराधी होगा वो कभी, और नारी की, मैं तो कह रहा हूँ नारी की इज्जत से कोई भी खेले, वो ना भाजपा की बात है, ना कोई सपा की बात है, ना कोई कांग्रेस की बात है, जो भी अपराधी होगा, जो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, उचित दंड मिलेगा उसे।